अब सबसे पहले हम स्क्रीन पर ब्राउज़र ओपन करेंगे। यह हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब यहाँ हम MDSU वेबसाइट सर्च करेंगे जो यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम एक्सपर्ट पर क्लिक करें, एग्ज़ाम पोर्टल पर चलते हैं। अब हमारा स्टूडेंट पैनल पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, यहाँ 2021 भी सेलेक्ट करते हैं, UG या आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ नाम से हम डाउनलोड करेंगे, जैसे कि हमने कोई भी एक नाम डाल दिया है। अब फादर्स नेम डालते हैं, उसके बाद हम मदर्स नेम का कैपिटल में पहला अक्षर डाल देते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये लिस्ट खुलती है जिसमें ये एक बच्चे का नाम है सेलेक्ट किया। यहाँ से हम रोल नंबर कॉपी करेंगे और बैक चले जाते हैं। और बैक चलते हैं। अब यहाँ बीच में दिए गए ऑप्शन मार्कशीट अपलोड वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम आर्ट्स साइंस कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, यहाँ BA फर्स्ट ईयर। उसके बाद हमने रोल नंबर जो कॉपी किया वो पेस्ट करते हैं। यहाँ उसके मदर्स नेम डालते हैं, उसके बाद जन्म डेट सेलेक्ट करते हैं हम, डेट, मंथ, उसके बाद ईयर। उसके बाद यहाँ एक मोबाइल नंबर डालते हैं जहाँ से OTP लेके हमको वेरीफाई करना है। जैसे कि हमने एक मोबाइल नंबर डाल दिया, अब वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास एक OTP प्राप्त होगा, OTP प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ एक OTP डालते हैं, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास खुल गया। सबसे पहले 10वीं के रोल रिसीव बोर्ड सेलेक्ट करते हैं और ईयर सेले रोल नंबर डालते हैं। अब हम रोल नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करते हैं कौन से वर्ष में हमने 10वीं पास की है। उसके बाद 12वीं RBC बोर्ड, उसके बाद रोल नंबर डालते हैं। अब हम ईयर सेलेक्ट करते हैं 12th का, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमें एक बार 10th के परसेंटेज मिला लेना है कि ये एकदम वेरीफाई सही होते हैं, उसके बाद सही नहीं कर सकते। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें 12th के परसेंटेज चेक कर लेने हैं। संपूर्ण डिटेल चेक करने के बाद एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब सारी डिटेल चेक करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं और हमारा अब सबमिट हो गया है। अब हम यहाँ से प्रिंट आउट ले लेते हैं। आप प्रिंट आउट दे भी सकते हो और प्रिंट आउट सेव भी कर सकते हैं। हम लोग सेव करते हैं और अब हमारी गैलरी में